नमस्कार। तो पिछले वीडियो में जो हमने आपको होमवर्क दिया था कि अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो प्रश्नावली 1.1 और इंग्लिश मीडियम के परीक्षार्थी हैं तो आपको जो है एक्सरसाइज 1.1, इसके क्वेश्चन को पहले मैं डिस्कशन कर देता हूं। क्योंकि आप बनाए तो अच्छा और नहीं बनाए तो भी अच्छा। अभी हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। तो देखो, प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1, उचित गुणधर्मों को उपयोग का निम्नलिखित में मान ज्ञात करना है। माने गुणधर्म का यूज कर करके आपका इसकी कैलकुलेशन करना है। इसी को इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है, दोनों मीडियम में लिखने का प्रयास किया है। अब यहां पर देखोगे कि ये और ये में कॉमन हो सकता है, -2/3 कॉमन हो जाएगा तो यहां पर ये जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। बिल्कुल आपने सीखा, इसको हम लोग कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। यहां पर दूसरे नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो यहां यहां में भी कॉमन हो सकता है। पहला क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी यूजिंग द अप्रोक्सीमेट प्रॉपर्टी फाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, निम्नलिखित में से प्रत्येक योज प्रतिलोम को ज्ञात करना है। योग यानी एडिशन का हमको क्या करना है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2/8 है, इस क्या हो जाएगा -2/8, यहाँ -5/7 है, 5/7, यहाँ पर ये जो है आपका -6/5, और यहाँ पर हम लोग करेंगे 2/9, और यहाँ पर हम लोग करेंगे 9/6। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का रहा है, एक्स इज इक्वल टू 11/15 और एक्स इक्वल टू -13/17 को सत्यापित करना है कि -x इज इक्वल टू एक्स। आपको इस प्रिंसिपल इसको प्रश्न को बनाएंगे, -11/15, माइनस माइनस प्लस, सो 11/15। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, अब हम लोग बात करेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चला गया चला गया चला गया। पेज नंबर 1 को हमने कर लिया था, पेज नंबर 2 करना है। आ गया, निम्नलिखित में गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी क्या सी गुना करें ताकि 1 हो जाए। इसी को इंग्लिश में हम कह सकते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। -13 है ना, -13 को हम 1, -1/13, यहां पर -13/9 है, 19/13 माइनस में 1/3 को -3/1, -5/8 को भी इनटू ये है, माइनस माइनस प्लस 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 हो गया, यानी 15/56। अब इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो 56/50। क्वेश्चन नंबर -1 * a माइनस प्लस इस बार कर देंगे 2/5 हो गया, 5/2 हो जाएगा, -1 का -1 ही। निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों को नाम लिखिए। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेटिव यूज द ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर -4/5 * 1 है, यहां पर ये आपका जो है कम्यूटेटिव रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कम्यूटेटिव रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, कम्यूटेटिव रूल आर सेटिस्फाई। अगला हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल -7/70 का। तो यहां पर तुम्हारे पास आराम से इसको निकालते चले जाओगे। बताइए कौन सा गुणधर्म में सहायता से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के देखो स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था, वहां TA डबल लिख दिया है, सॉरी वहां पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक। अगला हमारा है टेल व्हाट द प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 * 6 * 4/3 एज 1/3 * 6 * 4/3। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, तुम्हारा प्रश्न है क्या -1/1 होल 1/8, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे -9/8 हो जाएगा और इसकी प्रतिलोम लिखेंगे तो 8/9, ये गलत है क्योंकि यहां पर माइनस साइन का भी यूज होगा। इसी को इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/1/8, नहीं
ये माइनस यहां लगना चाहिए, वाई ऑर्डर ऑफ टी के बारे में हम बात कर लेंगे। अगली हमारी पास जो बात करना है, चौथे नंबर पेज को मैंने अभी कर रहा हूं, यहां पर क्या थ्री होल 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों या नहीं? बिल्कुल सही जवाब है, 3 10 3 उलट जाएगा, 3/10 0.2, बिल्कुल सही है। अब यहां पर लिखिए, इंग्लिश में राइट कीजिए, ऐसी परिमेय संख्या जिसकी कोई व्युत्क्रम नहीं है वो आपका है जीरो। यहां पर द रेशनल नंबर दैट नॉट हैव बीन द रेसिप्रोकल वो जीरो होगा। परिमेय संख्या जो अपने आप में बिल्कुल के समान है वो वन है, ऋणात्मक में तो -1 है। अब फिल इन द ब्लैंक, ओ सॉरी, पेज ही आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर तुमसे पूछ रहा है कि शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? नहीं होगा, संख्या वन तथा वन स्वयं का व्युत्क्रम है, वन और -1, वन एंड -1। -5 की अगर हम बात करें तो यहां पर -1/5 एक्स की हम बात करें तो एक्स दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। किसी धनात्मक की परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी धनात्मक संख्या होगा, जैसे आपने 5 ले लिया, 1/5, इसी को हम इंग्लिश में भी बोल देता हूं, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर वन एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 -1/5, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो हम लोग बात करते आगे बढ़ गए, अब हम लोग का ये हो गया है। अब क्लास को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रयास कर रहे हैं सिखाने का, तो कुछ गलतियां हो सकता है, उसको अगर गलती हमसे होगा तो जरूर नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगा कि यहां पर ये मैंने मिस्टेक किया है। अब हम परिमेय संख्याओं को, जैसे एक बार मुझे एसोसिएटिव में जो मिस्टेक हुआ जो हम आपको बता दिए, क्योंकि देखो वहां पर गलती ना हो ना, अरे भाई गलती लिखा गया, ये तो भगवान हम तो है नहीं, लेकिन ये तो है ना कि अगर जान गए तो उसको आपको हम बता दिए कि हमने यहां पर गलती लिखा है, इसको सुधार लेंगे आप लोग तो सुधर जाएंगे। क्योंकि अब हमारा एक ही वर्क रहा है कि आपकी गलती को सुधारना, अपने आप की भी गलती को सुधारना। तो यहां पर परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको हम इंग्लिश में हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले जो दिखाना है वह नंबर दिखाना है प्राकृत संख्या को। हम लोग बात करेंगे कि प्राकृत संख्या को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। यहां नेचुरल नंबर है तो यहां से 1 से स्टार्ट होगा, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा, यहां 2, ये 3 4 5 6। इसी ढंग से दूसरी नंबर जो हमारे पास है वह पूर्ण संख्या है, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। ये 0 से स्टार्ट होगा, तीसरी नंबर है पूर्णांक संख्या, अगर ये इंटीजर्स की बात करेंगे तो लाइन हो जाएगा,
ये हमने तो दिखा दिया। अब जो हम दिखाने जा रहे हैं वह पॉजिटिव दिखा दिए जीरो के दाएं तरफ, निगेटिव दिखा दिए बाएं तरफ। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे लाइन सेगमेंट का। यानी लाइन सेगमेंट की हम बात करें यानी रेखा खंड, तो अगर ये आपके पास है लाइन सेगमेंट, इसे दो भाग में बांटना है तो यहां पर एक्यूट एंगल लेंगे और वह एंगल 60 डिग्री सबसे आसान, यहां पर भी 60 डिग्री लेंगे, कंपास से एक बार कट कर देंगे, एक बार कट कर देंगे, मिला देंगे, या इधर हाफ हाफ हो गया। यानी इसी लाइन सेगमेंट को अगर ये तीन बार में काटना हो तो हम 3 बार में कैसे कट करेंगे, यह बात को जानना जरूरी। तो हम लोग 3 बार में काट देंगे, यहां पर भी 60 डिग्री, यहां पर भी 60 डिग्री, इसको 2 बार में कट करेंगे, एक और दो, यहां पर भी एक और 2 बार में, ये 3 बार में कट गया। यानी रेशनल नंबर को दिखाने के लिए, क्योंकि रेशनल नंबर आपके दो पार्ट में होंगे, एक प्रॉपर फ्रैक्शनल होंगे और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल होंगे। और यहां पर पहले तुमको यहां पर समझाना मुझे पड़ेगा कि यहां पर रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, क्यू नॉट इक्वल जीरो। यहां पर पी और क्यू इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल में पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल जीरो, यहां पर पी और क्यू होल नंबर होता है। तो यह भी बात को ध्यान में रखना है कि कैसे आपको करना है, तो अच्छी ढंग से आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छे ढंग से किया। अब यहां पर हमारा जीरो है, पॉजिटिव रहेगा तो इधर चले जाएंगे, निगेटिव रहेगा तो इधर चले जाएंगे। यानी पॉजिटिव के लिए हम इधर व्यवहार करेंगे, निगेटिव के लिए हम इधर व्यवहार करेंगे, इसमें कोई शक? जवाब होगा नहीं सर। अब बात होती है ना कि 13 को 2/3 दिखाना है, तो ये देखो 2/3 जो है ना, ये 0 होल 2/3 लिखा हुआ है, यानी इसका इंटीग्रल पार्ट 0 है। यानी यहां पर ये 0 के पास चले जाओगे, यहां पर 1 के पास चले जाओगे। अब इसको कितने खंड में करना है? 3 खंड। यानी यहां पर तुम 60 डिग्री का एंगल बनाओगे, यहां पर भी तुम 60 डिग्री का एंगल बनाओगे, और ये 3 खंड में काटना है तो इसको 2 बार में काट दो, यहां पर भी 2 बार में काट दो, ये तुम्हारा हो गया। कितना दिखाना है? 2/3, ये वाला वैल्यू 2/3। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि एक ऐसी ये तरीका है जो गलती होने में दिक्कत नहीं होता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या है ना कि तुम मैग्नीफाइड लिया। अब पहले तो तुमको 2/3 को सॉल्व करने पड़ेंगे, तुमको तो 0.66666 आ गया। अब इसके लिए तुमको मैग्नीफाइड ग्लास रखना पड़ेगा, तो पहले तुमको 0.6 और 0.7 के बीच में होगा, तो यानी सबसे पहले तो यहां पर 0 और ये 1 था, ये इसको 10 भाग में बांटोगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, इसमें तुम्हें टाइम लगेगा, 0.9, और ये है 1। ये तुम्हारे पास बांटा हुआ है जिसमें
एस का जो हमको रिप्रेजेंटेशन करना है 0.6 और 0.7 के पास करना है। अब यहां पर 0.6 ये वाला और ये 0.7 को फिर इस नंबर लाइन पर लिया हो गया, लिया ना एस पर। अब इसको मैग्निफाइड कर दिया तो तुमको बड़ा दिखेगा। अब इसको पुनः फिर 10 भाग में बांटना है, तो ये लंबा प्रोसेस है मेरे मित्र। और जैसा कि तुम जानते हो शर को, शर का मतलब है डायरेक्ट होता है। दुनिया की कोई क्वेश्चन डायरेक्ट करने की क्षमता, ये नंबर लाइन पर इसकी थोड़ी लंबा करना पड़ेगा तुमको, ये 0.6 तब मैग्निफाइड ग्लास से दिखेगा वो होगा। तो यहां पर 60 है, अब यहां पर 0.61 हो गया, 0.62 हो गया, 0.63 हो गया, 0.64 हो गया, यहां पर 0.67 ऐसे करके बढ़ाते हुए दिखाना होगा। तो हम स्टूडेंट तुम्हें कहेंगे, चाहे वो हमारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे बेहतरीन तरीका जो नंबर लाइन पर दिखाने का है वो है आपका लाइन सेगमेंट मेथड। इस लाइन सेगमेंट मेथड से सब लोग दिखाएंगे तो हमें खुशी मिलेगा, अदरवाइज तो मैं नाराज तो रहता ही हूं क्योंकि आज तक कोई मुझे खुश तो नहीं किया। और जो खुश किया थोड़ा बहुत वो आईडी तक पहुंच गया, क्योंकि कैसे करना है वो उसको हम अच्छे ढंग से समझा दिया और वह आईआईटी में जाके पहुंच गया। कैसे पहुंचना है ये चीज को हम समझाते हैं और ये बेसिक क्लास से ही ये चीज को हम सिखा रहे हैं, क्योंकि यह जो युग चल रहा है ना, एजुकेशन का युग चल रहा है, इसमें जिसके पास शिक्षा रहेगा वही आगे बढ़ेगा। तो कैसे करना है ये सारी चीज मैंने आपको दर्शा दिया है और अब हम लोग बात करते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है किसी को तो बता सकते हो, पता चलेगा नहीं। अब हम लोग कुछ कुछ नंबर को दिखाते हैं नंबर लाइन पर। पहले हम लोग प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए यानी आपको प्रयास करना है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, मैथमेटिक्स को सीखना बहुत ही इजी तरीका है। यदि आप इससे दोस्ती कर लें, बहुत ही हार्ड तरीका है जब इससे आप नफरत करें। निर्भर करता है कि आप दोस्ती करते हैं कि इससे नफरत करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि इसको आप दोस्त बनाना चाहते हैं कि आप इससे नफरत करना जानते हैं। अगर आपने इसको दोस्त बना लिया तो मैथमेटिक्स बिल्कुल आ जाएगा और अपनी सुनहरे कॉपियों में आप बिल्कुल लिख सकते हैं मैथमेटिक्स इज फन, मैथमेटिक्स इज फन आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रेम नहीं किया, दोस्ती नहीं किया, तो आपको यह तकलीफ भी देगा, तब आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपियों में मैथमेटिक्स इज हार्ड। वो निर्भर करता है कि तुम्हें क्या लिखना है इसके लिए, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें मैं लिखवा दूंगा कॉपी में मैथमेटिक्स इज फन। कौन कहता है कि मैथमेटिक्स हार्ड है? अरे हार्ड है वो जो नफरत करता है, ये तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, उसका नाम मैथमेटिक्स है, गणित है, गणित है। यानी आइए देखते हैं कितने एंजॉय करके हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चे हो या हिंदी मीडियम के बच्चे हो। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भाषा के बारे में आपको केवल कम्युनिकेशन, अगर मेरी इशारा को आपने समझ गया, अगर आपने मेरी इशारा को
आपने समझ गया, इसका मतलब मैथमेटिक्स आपको आ गया, यानी आपको इशारा समझना है, आपको इशारा समझना है, आपको कम्युनिकेशन समझना है। और अगर आपने कम्युनिकेशन अच्छे से समझ गया, अच्छे से समझ गया, तो यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग मेहनत करने से पीछे ना हटे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल मेहनत पर, यानी ये नहीं कि इसको रट्टा मार करके, इसको समझ करके आपको धीरे धीरे ज्ञान ऐसा बढ़ जाएगा। और मैथमेटिक्स के बारे में जान लीजिए, यह जो है साइंस का मदर कहा गया है, साइंस का मदर कहा गया है। जल्दी हम वीडियो लोड करेंगे उनके मम्मी का भी, यानी अगर साइंस का मदर मैथमेटिक्स को कहा गया है, तो उनकी मदर भी है, और वह मदर है अर्थमेटिक, यानी साइंस के नानी के भी बारे में आपको हम जल्दी वीडियो लोड करेंगे, और उस मैथमेटिक्स का नाम है कमर्शियल अर्थमेटिक। यानी आपको रेशियो जानना होगा, कोपर्सनल जानना होगा, परसेंटेज जानना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जानना होगा, डिविडेंड जानना होगा, शेयर एंड डिविडेंड जानना होगा, डिस्काउंट जानना होगा, यानी नानी से भी साइंस का हम मिलाएंगे। मदर ऑफ साइंस के बारे में तो आप जान ही गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, समय थोड़ी सा मेरे पास कम है, तो ये गौर से देखो, ये बंटवारे को पांच पांच में किया है, यहाँ बताओ जीरो है यार, 0/5 है, 2/5 के बीच में क्या होगा, इसमें कहने की जरूरत है? देखो तुम लोग मैथमेटिक्स सीख गया, कौन कहता है कि तुमको मैथमेटिक्स आ रहा है? देखो 1/5 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ 2/5 है, 3/5 है, यहाँ क्या होगा, 4/5, 5/5, यार बिल्कुल सर समझ गया, बना थे नहीं सर, बहुत मजा आ गया सर। अरे भाई अभी क्या मजा आने वाला है, जब इसके नानी से तुमको मिलाएंगे साइंस का, तब मजा आएगा। उस वीडियो को देखना, कमर्शियल अर्थमेटिक का रेशियो से तुम्हारा पूरे पूरा नहीं, मैकेनिक्स का एवरेज स्पीड आपको मैं जो है रेशियो से अभी सिखा देंगे, जो 9th और 11th क्लास में पढ़ता है, अभी ऐसे तुम बनाना चालू कर दोगे। मिरर की जो फॉर्मूला होती है 1/v + 1/u = 1/f, वो भी रेशियो से सारे क्वेश्चन को करना मिरर का सिखा दूंगा। देखो पहले देखो उनसे, अरे नानी से नहीं मिलोगे, पहले मिल लेते हैं ना। अब यहाँ पर देखो, ये -12/6 है या -11/6 है, यहाँ पर -11/6 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर देखो -10 आ गया, 9 आ गया, यहाँ पर -8/6 होगा, यहाँ -7/6 होगा, यहाँ पर देखो कि तुम बात करोगे, यहाँ पर -5/6 होगा, या इसी ढंग से बढ़ते जा जाएगा। देखो तुम्हारे पास कितना क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग बात करते हैं कि दो यहाँ पर हम लोग अगले पड़ाव में हम बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच का, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, तो देखो इसका निकालने का कुछ रूल है, इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे रेशनल नंबर देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो प्योरली इंग्लिश मीडियम होंगे केवल इंग्लिश बात को देखे, और जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो दोनों बात को देखे। ऐसे में तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को भी कहता हूं, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को भी मैं कहता हूं कि हिंदी भी नाम सुनते रहे, क्योंकि आपके मम्मी पापा तो मॉडर्न है, लेकिन ये भी तो समझना है कि आपके दादी घर में भी जाना है, नानी घर में भी जाना है, और वहां उन लोग हिंदी में बोलेंगे, बोलेंगे परिमेय संख्या, कौरव परमीकरण, जो आप लोग रेशनलाइज के नाम से जानते हैं। तो इसलिए सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, या आप कह सकते हैं कि आप लोग दोनों मीडियम से अच्छे ढंग से खास करके गणित को सीखें, क्योंकि अगर विज्ञान का मम्मी है वह गणित है, और गणित का जो मम्मी है वो अंकगणित है,
यानी अगर विज्ञान शब्द की अगर हम बात करें तो उनके नानी अंगणितीय, अगर हम बात करें कॉमर्शियल का, चलिए हम लोग बीच में तो अभी बात करते रहेंगे क्योंकि हमको बात करने में खूब आनंद आता है, क्योंकि हम बात करते करते थकते नहीं, पढ़ाते पढ़ाते थकते नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमको जन्म ही दिया है भलाई के लिए। तो इसलिए अब यहां पर 10 के बीच में 10 परमेय संख्या निकालना है, 10 परमेय संख्या निकाल, कुछ नहीं करो, सबसे पहले इसको लाइक कर दो। लाइक मतलब सजातीय कर दो, सजातीय का अर्थ हुआ डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 6 8 का एलसीएम 24 हो गया, यानी इसको इक्वावेलेंट लिखने के लिए 3 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई, यहां पर 24 और ये वाला में 3 टाइम्स, ये भी 24, यानी -20 24 एंड 15/24, ये तुम्हारे पास आ गया। कितने निकालना है? 10। अरे 10 निकालना है तो एक ज्यादा से गुना कर दीजिए, तो 10 1 कितना हो गया? 11। 11 से ऊपर गुना, 11 से नीचे गुना, यहां पर भी 11 से ऊपर गुना, 11 से नीचे गुना, अब देखो 20 इगरहिए आपका हो गया 210, 220 बटे 24 में 11 से गुना करोगे, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 26, और यहां पर 15 इगरहिए 165 और 24 इगरहिए 264। अरे भाई यहां तो तुम 10 मांग रहा था, लेते जाओ लिखते जाओ, कभी भी तकलीफ तुम्हें नहीं होगा दोस्तों, यही मेरी चाहत है। मैं चाहता ना, मैं चूंकि चाहता नहीं हूं, मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद है, लोगों को गणित आ जाए, गणित आएगा विज्ञान आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा, गणित को बुलाओ, गणित से प्रेम करो, गणित से भाईचारा करो, गणित को सीखो, यहां पर भी आ जाएगा। तो हम समझते हैं कि आप आराम से नंबर लाइन और उसको दिखाना, तो हम लोग अगली क्लास में, जो अभी तुम लोग का मैं होमवर्क दे रहा हूं, कुछ होमवर्क को मैंने एक बार थोड़ा सा बोल देता हूँ, करवा देता हूँ, और अगली क्लास में, क्योंकि चैप्टर भी एंड हो जाएगा इसलिए अगली क्लास इसमें नहीं लगेगा, और इससे भी इसका क्वेश्चन कब करा देना होगा, क्योंकि अगली क्लास में जब मैं कहानी कहूंगा ना, ये भी ध्यान में रखना है कि जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन इसकी डिस्कशन हो जाएगा, आपको हो जाएगा, क्योंकि अगला दिन नया टॉपिक से खुलेगा, नए आएंगे और वो नया रंग आपको देगा, वो है आपको हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी को एक्चर वाले रैखिक समीकरण और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपको सपोर्ट करेगा। तो मैं अभी चाहता हूं कि क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दूं, चाहे क्वेश्चन को, चलो एक वीडियो और बना देते हैं, क्या होगा, 4 बन ही गया तो 5 क्लास में कंप्लीट होगा। तो अभी मैं होमवर्क को आपको दे देता हूं, तो एक्सरसाइज 1.2 आप लोग बना लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।